कोई दिक्कत नहीं आई और एलएन वालों ने भी हमारा पूरा सुरक्षा का ख्याल रखा। वहाँ पर इतने दिनों में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, और दिक्कत होती तो एलएन ने उसका भी समाधान करके रखा। कितनी खुशी हो रही है आज अपने घर लौट? खुशी तो हो रही है, बहुत दिनों बाद घर वापस आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार को क्या कहेंगे? धन्यवाद कहूंगी कि हमें कोटा से वापस बुलाया। क्या नाम है? श्रद्धा। कैसे मतलब क्या हुआ, गए थे? मेरा बेटा वहाँ पर मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मैं उसको लेने के लिए गया, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने के कारण मैं भी वहाँ फंस गया। और उसके बाद से लगातार मैं झारखंड आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आने के कोई साधन नहीं मिल रहा था। झारखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन्होंने स्पेशल ट्रेन चलाई और हम लोगों को सकुशल यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि आप लेने के लिए गए थे, तो ये आप कब गए थे? लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले मैं गया वहाँ लेने के लिए, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण मैं वहाँ बेटा के साथ मैं भी फंस गया। अब मैं वहाँ से आ भी नहीं सकता था और वहाँ पर रह भी नहीं सकता था। वहाँ पर बहुत सारे 40 दिन वहाँ पर छोटा प्रशासन, वहाँ का जो इंस्टीट्यूट एलएन के तरफ से काफ़ी मदद की गई, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई, और उन्होंने आने के लिए भी ट्रेन में चढ़ाने तक खाना का पैकेट, पानी का बोतल, सारे सुविधा के साथ में उन्होंने ट्रेन में उन लोगों को चढ़ाया। इसलिए एलएन कोटा प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का जो व्यवस्था किया गया था छात्रों को लाने का, तो क्या कुछ इसमें आपको लगता है कि कहाँ प्रशासन ने कितने कोटा प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, और उन्होंने समय पर हम लोगों को सूचित भी किया। केवल सिर्फ यही रहा कि जिस दिन हम लोगों को आना था, कल हम लोगों को चलना था वहाँ से, उन्होंने 4 बजे हम लोगों को सूचित किया कि आज झारखंड की गाड़ी जा रही है और 6 बजे आप स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। किस माध्यम से आपको सूचना मिला कि आपको? टेलीफोन में मैसेज के द्वारा हम लोगों को सूचना मिला कि झारखंड की गाड़ी 9 बजे रवाना होगी और आप 6 बजे आप कोटा स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। सिर्फ वही 2-3 घंटा जो हम लोगों को रहा, वही हम लोगों को काफ़ी पेनफुल रहा कि हम लोग कैसे अचानक रास्ता में सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और रास्ता में हम लोगों को बिलासपुर और भी जगह के खाना पीना का सामान मिलता रहा, और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से पहुँचे। आप अपने घर कहाँ जाइएगा यहाँ से? अभी हम रांची रोड, रांची के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार सिंह। अच्छा, क्या करने गए थे? बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे थे। अच्छा, बच्चे वहीं पे पढ़ रहे थे, हम भी वहीं पे थे। मतलब साथ में ही आप रहते थे? बच्चों के साथ में ही रहते थे। अच्छा, तो ये लॉकडाउन के दौरान आप लोगों का कैसे समय बीता हुआ? लॉकडाउन के तो समय बहुत कठिन ही था, सामान उमान भी नहीं मिलता था खाने पीने का, सही से सारे दुकान बंद हो गए थे। सब्जी उजी वाला तो आता था घर पे, ठेला लेके तो दे के चला जाता था, और राशन के सामान में दिक्कत हो रही। वहाँ के राशन की तरफ से वहाँ कोई व्यवस्था? प्रशासन की ओर से व्यवस्था था साइड एरिया में, लेकिन हम लोग जिस एरिया में रहते तो वहाँ पे नहीं था। हम लोग इंस्टीट्यूट के ही अगल बगल रहते थे, तो उस एरिया में ऐसा व्यवस्था नहीं। जब आप लोग मतलब आप रूम लेकर के रहते थे? जी हाँ। तो कोई दिक्कत तो ज़्यादा होगी नहीं? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस वही राशन का सामान था, थोड़ा सा दुकान का बंद था ना, एक दो दुकान ही खुला हुआ था। रास्ते भर में कोई परेशानी? नहीं, रास्ते में कोई परेशानी नहीं। पहुँच करके कैसे महसूस कर रही हैं? पहुँच के यहाँ अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपना घर वापस आ गए। पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कोई पता नहीं। फिर वापस जाइएगा? अभी तो लोग बच्चों को पहले एग्जाम दिलाना था ना, एग्जाम के बाद ही फिर सोचेंगे। प्रशासन का जो ये पहल है, कितने हद तक आपको क्या इसमें लगता है? प्रशासन का पहल ये है, जो भी सुविधा दी है सब अच्छी तरह से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लगता है कि अगर यहाँ पे अच्छा बेहतर कोचिंग सेंटर अगर होता तो आप अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती? कोचिंग सेंटर यहाँ भी है, इंस्टीट्यूट है यहाँ भी, लेकिन यहाँ वहाँ वाला माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को, इसीलिए सारे बच्चे को लेकर वहाँ भी चले पढ़ाई का माहौल यहाँ पर नहीं है। कुछ छात्र अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं, कुछ प्रवासी भी फंसे हुए हैं राज्य से बाहर, तो उनको उनके लिए आपका क्या कुछ संदेश रहेगा कि जो फंसे हुए हैं उसके लिए यही
संदेश है कि उसे भी गवर्नमेंट को वापस बुला लें। दिक्कत नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको घर पहुँचाने की, उन्होंने कहा था। अच्छा एक बात बताइए, जो 38 दिनों का एक्सपीरियंस आप लोगों के लॉकडाउन के पीरियड का रहा और कई बच्चे झारखंड के फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग आज? टेंशन की कोई बात नहीं है, बस कुछ समय की बात है, अब उन सबको भी बुला लिया ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी पेशेंस नहीं थे कि हमें बुलाया जाएगा, हमने होप भी छोड़ ली थी कि हमें बुलाया भी जाएगा, लेकिन फाइनली न्यूज़ आया कल कि सभी को अपने बैग पैक कर लीजिएगा, तो हम बहुत खुश थे उस समय, बस यही था। क्या मैसेज, क्या जानकारी आप लोगों को मिली थी इस ट्रेन के बारे में? बस कुछ नहीं, यही कि आपका कोच नंबर की गाड़ी आ रही है आप लोगों को लेने के लिए, सारी मिली थी। बाकी हमें बोला गया था इस लाइन के रिपोर्ट दीजिए, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग हुआ, सभी ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया वहाँ भी। तो ये चार स्टेट आप घूम के आ रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद झारखंड, ट्रेन में फैसिलिटीज क्या है अवेलेबल कराई? नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दी गई, खाना भी दोपहर में हमें, मतलब रात में खाना वहाँ से दिया ही गया, साथ में दोपहर में भी खाना इंतजाम किया गया, पानी एनी टाइम था हमारे पास, पानी की भी कमी होने उन लोगों ने नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट को कोई मैसेज अपनी तरफ से देंगे? थैंक्स कि हम लोगों को बुलाया गया, वैसी तरह सारी स्टेट को भी अपने बच्चों को बुला लेना चाहिए, मजदूरों को बुला लेना चाहिए। ठीक है, ट्रेन जो है बिल्कुल सही समय पे आ रही है हमारी गुवाहाटी के सामने 7 बजे और 24 कोच की ट्रेन जो कोटा से चल के बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला होते हुए हटिया पहुँची है। सारे पैसेंजर्स और जो बच्चे थे सबको उसमें उतारा जा रहा है और स्टेशन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग किया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है, RPF के जवान भी मुस्तैदी से लगे हुए, साथ ही जिला प्रशासन की टीम, मुख्यालय अधिकारी भी है जिनके साथ एक हम लोग समन्वय बनाकर जो है इस पूरे कार्य को स्मूथली कर रहे हैं। कितने बजे पहुंची ट्रेन ये सर? सर ये कितनी बड़ी चुनौती है रेलवे के लिए, इतने सारे विद्यार्थी एक साथ कोरोना के समय में आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? डेफिनेटली अच्छा लगता है कि इस मुहिम का हम लोग हिस्सा बनते हैं, चुनौती तो डेफिनेटली है सही समय पर उनको लेकर आना, और क्योंकि ये ट्रेन को थ्रू रन लेकर आना है, कहीं ट्रेन को अदर देन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट लिए कहीं रोकना नहीं है, तो और क्लियरली इसको लेकर आते हैं, डेफिनेटली एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क तो रहता है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग से और रेगुलर चेकिंग से इसको हम लोग सही। रांची का? रांची का। और कोटा में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, और ये 40 दिन कैसा बीता हुआ? जी थोड़ा मुश्किल था, खाने पीने की थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, और साथ ही जब दूसरे स्टेट के दोस्त लोग जा रहे थे तो उनको देख के थोड़ा बुरा लग रहा था, अब तो हाँ हम भी आ गए तो अच्छा लग रहा है कि सरकार ने अच्छा निर्णय ले लिया है। साथ ही कोचिंग वालों ने भी बहुत सहायता की, वो टाइम टू टाइम मैसेज देते थे, इन्फॉर्म करते थे कि आप जा सकते हैं, ये अपडेट वगैरह, तो कोचिंग वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वहाँ प्रशासन के द्वारा कितनी व्यवस्था की गई थी? जी बस मुझे तो दिक्कत खाने पीने की लगी कि थोड़ी दिक्कत पड़ गई थी खाने पीने की, उसको छोड़ के सरकार ने बहुत हेल्प की, टाइम टू टाइम मैसेज करते थे कि अगर कोई आपको दिक्कत है तो इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी बात का। सफ़र के समय जो प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्था किया जा रहा है, क्या कुछ आपको व्यवस्था देखने को मिला? जी सफ़र के दौरान पहले तो हम रात में निकले थे तो रात में खाने के लिए अच्छी सुविधा की, फिर सुबह में नाश्ता मिला, फिर दोपहर में खाने के लिए, तो मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, साफ सफाई बहुत बढ़िया थी। आप देख सकते हैं कि ये छात्र सभी कोटा से यहाँ पर आए हैं और ये लोग अभी तो चेहरे पर देख सकते हैं कि चेहरा खुशी है, खुश हैं अपने राज्य और अपने घर पहुँच कर के। क्या नाम है? क्या नाम है? अनस। वही खाने की प्रॉब्लम थी और रूम का फालतू में देना पड़ता था, और जो भी कोर्स करते थे। हाँ कोर्स तो सब यार, ये 40 दिन कैसे बिताए वहाँ उसके बारे में जरा बताओ विस्तार से। ये दिन जो लॉकडाउन के थे हम वेट तो कर ही रहे थे आने का, पर क्या वहाँ फीलिंग हो रहा था? फीलिंग क्या था? फीलिंग तो बहुत घुटन सा था, एक चार दीवार के रूम में रहना, तो बेकार ही रहेगा, आना चाहते थे घर। खुशी है कैसे बीता ये 40 दिन? बहुत ज्यादा
मैं कोटा में भी रहता हूँ सारे बहुत मुश्किल वहाँ का जो प्रशासन है उनके द्वारा खाना बनाने की व्यवस्था बहुत होता था, बहुत हद तक हुआ था ऐसा, लेकिन वो पहले जो था वो नहीं मिल पाता, बहुत हद तक उन्होंने प्रॉब्लम बहुत मैं मेडिकल तो क्या वहाँ पे इंस्टीट्यूट से बहुत थैंक यू, बहुत हेल्प हुआ यहाँ तक आने के टाइम तक उन्होंने बहुत हेल्प की। तो कोर्स कंप्लीट हो चुकी है? जी कंप्लीट हो चुका। फिर बस टेस्ट देने के लिए वहाँ रुके हुए थे, टेस्ट कंप्लीट वो डेट नहीं आया था इस वजह से। फिर आप कोटा वापस जाना है या नहीं? अभी तो चेंज कर दिया हूँ मैं उसका सेंटर, रांची में सेंटर चेंज कर दिया। जिस तरह से ये छात्र की बात आपने सुनी कि ये 40 दिन तक लोगों के लिए बेहद कठिन का दौर था वो, जो ये 40 दिन इन्होंने बिताया और यहाँ पहुँच कर मिल रहा है, और ये एक मैसेज भी देना चाहते हैं सभी राज्यों को कि आप अपने अपने राज्य के जितने भी छात्र और मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों को वापस ले आए। अभी बस इतना ही, आप देखते रहिए आजाद सिपाही। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।